नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 26 मई। सबसे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सेंटिमेंट थोड़े खराब जरूर हुए हैं। यूएस और चाइना के बीच में हांगकांग को लेके जो टेंशन बढ़ा है उसके चलते हमें लगता है कि कॉटन के प्राइजेस में एक इम्पैक्ट पड़ेगा एज ए एग्री कमोडिटी। बट इसके विपरीत आज हम कॉटन के प्राइजेस में इंटरनेशनल के अंदर एक अच्छी तेजी देख पा रहे हैं। करीबन 58 सेंट के ऊपर कॉटन के प्राइजेस इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। अपडेट ये भी है, CIA हैज रेज कॉटन एक्सपोर्ट एस्टिमेट ऑन ए वीक डोमेस्टिक करेंसी, कि जिस ढंग से हमने रुपए में गिरावट आती हुई देखी है, कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट एक्सपोर्ट्स को मिलेगा। जहाँ CIA ने कहा है कि करीबन 42 मिलियन बैल की जगह पे 47 मिलियन बैल करंट सीजन में रह सकती है, जिस ढंग से हमने करेंसी में वीकनेस देखी, ये कहीं ना कहीं कॉटन के प्राइसेस को सपोर्ट करना चाहिए। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो इंटरनेशनल फैक्टर पॉजिटिव है, CI का जो अपडेट है वो पॉजिटिव है, जो कहीं ना कहीं कॉटन के प्राइसेस को आज एक पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ देखेंगे। शुक्रवार के सेशन की बात करें तो 1.5% की गिरावट के बाद 15,740 के करीब कॉटन को हमने फ्रेश सेलिंग के चलते गिरावट आती हुई देखी। वहीं कपास के प्राइसेस में भी हमने 0.5% की गिरावट आती हुई देखी और 980 के करीब प्राइसेस में मूव आता हुआ दिखाई दिया। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छी खासी तेजी हमने गवाते हुए देखी और प्राइसेस लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 1964 के करीब 1.5% की गिरावट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर वीक ऑन वीक की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते के अंदर कॉटन के प्राइसेस के अंदर करीबन हमने 2 से 2.5% की गिरावट आती हुई देखी। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में हाई में हमने 2120 का लेवल भी छूते हुए देखा, बट उसके बावजूद हमने करीबन 4.5% की गिरावट आती हुई देखी प्राइसेस के अंदर। वहीं कपास में भी 1% की गिरावट रही। तो आज के अगर ट्रेड सेटअप की अगर बात की जाए तो हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। इंटरनेशनल फैक्टर और डोमेस्टिक फैक्टर थोड़े सपोर्टिव जरूर है, बट हमें लगता है जब तक प्राइजेस 2010 के ऊपर नहीं निकलता है, लेट से 2020 के ऊपर नहीं निकलता है, प्राइजेस एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेंगे। वहीं अगर अवर्ली चार्ट की अगर बात करें तो 1950 का 200 डे मूविंग एवरेज है, मार्केट इस लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के सेशन में मार्केट अगर 2000 के ऊपर निकलता है तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज 1910 1915 तक का सपोर्ट मिलेगा, उस सपोर्ट पे हमें वापस बाय करना है 1870 के स्टॉप लॉस से, जो फिर से 2000 से 2020 तक का लेवल दिखा देगा। तो कॉटन सीड ऑयल केक में आज ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। प्राइजेस इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1950 के ऊपर मेंटेन है, 2020 के ऊपर जाने पे ही हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज 1910 के ड्रॉप पे हमें फ्रेश बाइंग करके चलनी चाहिए, जो फिर से 2000 तक का लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।